है ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है न्यूक्लियस अभी की नहीं आ रहा है, खत्म हो गया ना? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने किताब से देखते रहिए। ये बता रहा है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस कि इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये लिविंग सेल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, लिविंग सेल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट? ये न्यूक्लियस जो है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये कह रहा है कि जनरली कैसा होता है, ये जनरली कैसा होता है, तो कह रहा है कि ये जनरली स्फेरिकल होता है। जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और कह रहा है कि लोकेटेड कहाँ पे ये लोकेशन होता है, कहाँ पे स्थित होता है। कह रहा है इन द सेंटर ऑफ सेल, कहाँ पे सेंटर ऑफ सेल में ये है, इसका स्थान जो है सेंटर ऑफ सेल में है। कह रहा है आगे कि इट कैन बी स्टेंड, इसको रंगा जा सकता है, स्टेंड इसको रंगा जा सकता है। एंड सीन इजिली, इसको आसानी से देखा जा सकता है, सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। किसकी मदद से इसको देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। इसको किसकी मदद से देखा जा सकता है, इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। कह रहा है आगे यहाँ पे कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड, ये जो न्यूक्लियस है ये सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ये अलग होता है बाई ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये अलग होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि दिस मेंबर इज ऑल्सो पोरस, ये क्या होता है, पोरस होता है, और अलाउ द मोमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बता रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, ये मटेरियल जो है ना इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में आना जाना लगा रहता है। किसके कारण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण। अब बता रहा है कि विथ ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, बड़ा मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप जिसका होगा, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन काफी बड़ा होगा। कह रहा है कि वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। कह रहा है कि न्यूक्लियस के भीतर में भी एक गोल चीज है, कह रहा है कि न्यूक्लियस के भीतर भी एक जो है ना गोल स्मॉलर बॉडी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस है उसका नाम, उसका नाम न्यूक्लियोलस है, उसका नाम न्यूक्लियोलस है। कह रहा है कि इन एडिशन न्यूक्लियस ऑल्स कॉन्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रोमोसोम कहते हैं, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। कह रहा है कि दीज कैरी जीन, इसमें जीन होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन होता है, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस, ये किसमें हेल्प करता है, ये इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। इनहेरिटेंस को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस को क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, कहाँ से, पेरेंट्स से लेके ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, उसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। करा द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड, क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, क्रोमोसोम कब दिखाई देता है, व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम दिखाई देता है।
ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इनहेरिटेंस। न्यूक्लियस का कहाँ रोल है? न्यूक्लियस का रोल है इनहेरिटेंस में। कहाँ रोल है? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस मतलब होता है जो माँ बाप से बच्चों में करेक्टर जाता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये कंट्रोल सेंटर का काम कौन करता है? कंट्रोल सेंटर का काम कौन करता है? कंट्रोल सेंटर का काम न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। करा द इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म कोई पूछेगा, इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल कह रहा है ये कि इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? साइटोप्लाज्म करता है एंड द न्यूक्लियस करता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये करता है। कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? द लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल। इसको क्या कहते हैं? द लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? प्रॉब्लम है? चलिए अच्छी बात है। यहाँ देखिए ये एक पहेली बीच बीच में आती है, बूझो और पहेली। कौन आती है? बूझो और पहेली। ये कर पहेली वांट टू नो, ये जानना चाहती है। पहेली वांट टू नो, ये जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? ये क्या जानना चाहती है? इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कह रहा है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन ए सेल ऑफ ए प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। ये जानना चाहती है स्ट्रक्चर ऑफ और न्यूक्लियस इज सेम इन द प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। क्या सब में एक जैसा होता है क्या? ये जानना चाहती है, ये जानना चाहती है कि न्यूक्लियस जो है सब में एक जैसा होता है। अब देखिए इसके बारे में जो है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज। क्या होता है बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस? नॉट वेल ऑर्गेनाइज। बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? नॉट वेल ऑर्गेनाइज। न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है नॉट वेल ऑर्गेनाइज, ये नॉट वेल ऑर्गेनाइज होता है। लाइक द सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं होता है। कह रहा है कि देर इज अ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। आगे बता रहा है द सेल हैविंग, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है यहाँ पे कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, उस तरह के सेल को क्या कहेंगे? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिसमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा वैसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आगे क्या लिखा हुआ है।
द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे सेल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब आगे देखते हैं, प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है। कैरियोन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वगैरह है। अब कह रहा है कि एग्जाम्पल क्या है, पूछ रहा है कि एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल? प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल क्या है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा होगा, ये प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा है, ये क्या है? ये आपका प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है। कह रहा है द सेल लाइक ओनियन एंड चीक सेल। अब किसके बारे में कर रहा है? ये कर रहा है ओनियन के बारे में कर रहा है, और किसके बारे में कर रहा है? चीक सेल, जो हम लोग के गाल का सेल है, इसके बारे में बता रहा है कि ओनियन सेल और चीक सेल के बारे में बता रहा है। ये ओनियन सेल और चीक सेल क्या होता है? ये वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, विथ ए न्यूक्लियर मैम्ब्रेन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये बोला है ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है? ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जितने सारे सेल हैं सबको क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। किसको किसको छोड़ के बोलते हैं? बोल रहा है कि बैक्टीरिया को छोड़ के, और किसको छोड़ के? ब्लू ग्रीन अल्गी को छोड़ के हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूकैरियोट्स कहते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं ना, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हम लोग,